बिग बॉस 17 भाई, इसके कंटेस्टेंट्स का लिस्ट जो है वो भी अनाउंस हो चुका है। आपको बता दूं कि जितने भी ओवरऑल कंटेस्टेंट्स अभी तक हमने बिग बॉस के घर में देखे हैं भाई, सब एक से बढ़कर एक हैं और सब के सब जो है दमदार कंटेस्टेंट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबको जनता ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और बहुत ज़्यादा पसंद किया है हमेशा। और देखा जाए तो भाई जो लेवल का प्यार, जो लेवल का अप्रिशिएशन हर बिग बॉस के कंटेस्टेंट को मिलता है, हमेशा एक अलग लेवल ही होता है। लेकिन आपको बता दूं कि जब से बिग बॉस OTT सीजन 2 खत्म हुआ है, उसके बाद एक चीज़ का क्रेज जो सबसे ज़्यादा बढ़ा है और जिसको जनता ने सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना कि चार ये भाई अब शुरू हो जाए, वो बिग बॉस सीजन 17 है, यानी कि मेन बिग बॉस। जैसे बिग बॉस OTT सीजन 2 एलविश जीते और उन्होंने तो चलो रिकॉर्ड बना दिया, एक लेवल सेट कर दिया, लेकिन बिग बॉस 17 के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि नाम आ रहा है भाई अभिषेक आएंगे, जिया आएंगी, फिर कोई कह रहा नहीं एलविश आएंगे, कोई कह रहा है मनीषा आएंगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सब रूमर्स है भाई, इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन ओवरऑल इन सब ने बोला है कि अगर मौका मिले और समय मिले तो हम ज़रूर जाना चाहेंगे बिग बॉस के घर में। लेकिन कहीं ना कहीं एलविश यादव ने भी एक हिंट दिया था कि भाई कोई एक बड़ा यूट्यूबर, कोई एक बड़ा इन्फ्लुएंसर जो है वो ज़रूर जाएगा बिग बॉस सीजन 17 के घर में। देखा जाए तो भाई बिग बॉस 17 बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आने वाला है, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हमको शायद देखने को मिले। लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम है, कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम इस लिस्ट में है जो मेरे पास है, बताता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, जिसमें पहला नाम है ईशा मालविया का, दूसरा नाम है आयशा सिंह का, तीसरा नाम है संगीता घोष, चौथा नाम है समर्थ जुरेल, पांचवा नाम है ऐश्वर्या शर्मा, और एक नाम एक यूट्यूबर, एक फेमस यूट्यूबर जिसको आज के समय भाई शायद ही कोई होगा जो ना जानता हो, और ये नाम है हर्ष बेनीवाल का। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक टेंटेटिव लिस्ट है, अभी तक कंफर्म लिस्ट आउट नहीं हुई है, लेकिन ये कुछ नाम है जिनको बताया जा रहा है कि भाई ये लोग जो है कन्फर्म हो चुके हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है और इन सब में से आप किसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।